ये सेंटेंस देखिए, वो पिटा हुआ लग रहा था। कटी हुई सब्जियां फ्रिज में रख दो, हम बिका हुआ सामान वापस नहीं लेते। उसने मुड़े हुए तार से फंसी हुई गेंद निकाली। अब ये जो वर्ड्स हैं, पिटा हुआ, कटी हुई, बिका हुआ, मुड़े हुए, इन सब का मतलब क्या है? देखिए, पिटा हुआ यानी कि वो पिट चुका है, कटी हुई यानी कि कट चुकी, बिका हुआ मतलब कि बिक चुका, और मुड़ा हुआ तार यानी कि मुड़ चुका। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये परफेक्ट कंडीशंस हैं, और हम इसको ये भी कहते हैं कि ये परफेक्ट टेंस हैं। और परफेक्ट टेंस जो है वो थर्ड फॉर्म से ही एक्सप्रेस होता है। तो इन सब शब्दों में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का। नए कपड़े न्यू क्लोथ्स, मेरे कपड़े माई क्लोथ्स, धुले हुए कपड़े वॉश्ड क्लोथ्स। ये वॉश्ड जो है वो वॉश की थर्ड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल है। और जैसे ये सारे एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं इन क्लोथ्स के, वैसे ये भी विशेषण की तरह ही काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस देखें, जैसे धुले हुए कपड़े ला दो, ला दो ब्रिंग धुले हुए कपड़े, द वॉश्ड क्लोथ्स। जैसे नए कपड़े ला दो तो ब्रिंग द न्यू क्लोथ्स, मेरे कपड़े ला दो तो ब्रिंग माई क्लोथ्स, इस तरीके से ब्रिंग द वॉश्ड क्लोथ्स। एग्जाम्पल देखें, ताजा अंडा फ्रेश एग, भूरा अंडा ब्राउन एग, उबला हुआ अंडा बॉइल्ड एग। और ये बॉइल्ड क्या है? बॉइल की थर्ड फॉर्म। मुझे उबले हुए अंडे अच्छे लगते हैं, आई लाइक द बॉइल्ड एग्स। तो ये एडजेक्टिव हो गया, अंडे कैसे उबले हुए। और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की तो चलते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। सड़े हुए सेब एक तरफ रख दो, सड़े हुए सेब, तो कीप द डिकेड एप्पल्स असाइड, सड़े हुए सेब। ये क्या हुआ है? ये है, इट इज, कैसा है? डन। क्या हुआ है? डन। चीजों को बढ़ी हुई कीमत पर बेचो, सेल द थिंग्स एट द इंक्रीज्ड रेट, इंक्रीज रेट बढ़ी हुई कीमत। एक हारी हुई लड़ाई, अ लॉस्ट फाइट, हारी हुई यानी कि लॉस्ट। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए मतलब कि टाइट, तो माई हैंड्स आर टाइट। ये सब जो है अपने अपने वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है। जैसे ये डिके की डिकेट, डू की डन, इंक्रीज की इंक्रीज्ड, लूज की लॉस्ट, टाई की टाइट। क्या ये सेम एडजेक्टिव हैं जैसे हम यूज करते हैं? जैसे तेज मसाला यानी कि शार्प स्पाइस, गरम मसाला यानी कि हॉट स्पाइस, पिसा हुआ मसाला यानी कि ग्राउंड स्पाइस। तो ये ग्राउंड वर्ड जो है वो इन्हीं एडजेक्टिव की तरह, इन्हीं विशेषण की तरह यूज किया रहा है। और ये ग्राउंड वर्ड क्या है? ग्राइंड की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस देखिए, मुझे पिसा मसाला चाहिए तो आई वॉन्ट द ग्राउंड स्पाइस, मुझे तेज मसाला चाहिए तो आई वॉन्ट द शार्प स्पाइस। लाल शर्ट, रेड शर्ट, सूती शर्ट, कॉटन शर्ट, फटी शर्ट, टॉन शर्ट। और टॉन शब्द जो टॉन वर्ड है वो है टीयर की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखें, शर्ट फटी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द शर्ट शुड नॉट बी टॉन। फटी शर्ट मत दो, डोंट गिव द टॉन शर्ट। देखिए एक और, उसने जला हुआ हाथ दिखाया, जला हुआ हाथ यानी द बर्न्ड हैंड। ही शोड, उसने दिखाया, द बर्न्ड हैंड, जला हुआ हाथ। तुम बदले हुए दिख रहे हो, तुम दिख रहे हो, यू आर लुकिंग, कैसे? बदले हुए, चेंज्ड। जांची हुई फाइल भेज दो, भेज दो, सेंड, क्या भेज दो? जांची हुई फाइल, द चेक्ड रजिस्टर। भूले हुए बिसरे, भूले बिसरे गाने, द फॉरगॉटन, भूले हुए, द फॉरगॉटन सॉन्ग्स। कुर्सियां ढकी हुई हैं, द चेयर्स आर, कुर्सियां हैं, चेयर्स आर कवर्ड, ढकी हुई हैं। वो जीता मैच हार गई, वो हार गई, शी लॉस्ट, क्या हार गई? जीता हुआ मैच, द वॉन मैच। तो जीता हुआ यानी कि वॉन। खराब कुर्सी बैड चेयर, छोटी कुर्सी स्मॉल चेयर, टूटी हुई कुर्सी
ब्रोकन चेयर, और ये ब्रोकन वर्ड है ब्रेक की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखें, वो टूटी हुई कुर्सी नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाय द ब्रोकन चेयर। ठीक ऐसे ऐसे, वो खराब कुर्सी नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाय द बैड चेयर। ऐसे द ब्रोकन चेयर, चार टूटे हुए हैं, फोर आर ब्रोकन। जैसे चार छोटे हैं, फोर आर स्मॉल, ऐसे फोर आर ब्रोकन। तो यहां पर भी ये एडजेक्टिव की तरह ही काम हो रहा है, विशेषण की तरह काम में लिया रहा है इस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, महंगी कार, कॉस्टली कार, विदेशी कार, फॉरेन कार, चुराई हुई कार, स्टोलन कार। अभी स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म है, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज में वर्ड लाया जा रहा है। जैसे सेंटेंस देखिए, ये कार चुराई हुई है, तो दिस कार इज स्टोलन। अगर हम सेंटेंस ऐसा होता है कि ये कार महंगी है, तो दिस कार इज कॉस्टली। हम बिका हुआ सामान वापस नहीं लेते, हम वापस नहीं लेते, वी डोंट टेक बैक। क्या नहीं लेते? बिका हुआ सामान, सोल्ड आइटम्स। उसने मुड़े हुए तार से फंसी हुई गेंद निकाली, ही टुक आउट द बॉल विद बेंट वायर। वो पिटा हुआ सा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग बीटन। तो पिटा हुआ यानी कि बीटन। कटी हुई सब्जियां फ्रिज में रख दो, कीप द कट वेजिटेबल्स इन फ्रिज। तो कटी हुई की थर्ड फॉर्म कट। ये चाकू काम में लिया हुआ है, दिस नाइफ इज यूज्ड। काम में लिया हुआ यानी कि यूज्ड। अभी जैसे ये सोल्ड है, बेंट है, बीटन है, कट है, यूज्ड है, ये सब जो है थर्ड फॉर्म्स हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह काम में लिया जा रहे हैं। जैसे सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड है, बैंड की थर्ड फॉर्म बैंड, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, कट की थर्ड फॉर्म कट, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड। नेक्स्ट उदाहरण, हरी पत्तियां ग्रीन लीव्स, ताजी पत्तियां फ्रेश लीव्स, गिरी हुई पत्तियां। अब जैसे ये हरी पत्तियां हैं, वैसे गिरी पत्तियां हैं, तो ये भी विशेषण की तरह यूज में हो रहा है, गिरी पत्तियां। तो ये फॉलन लीव्स, अभी फॉलन जो है फॉल की थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल है। तो सेंटेंस देखिए, गिरी हुई पत्तियां हटा दो, रिमूव द फॉलन लीव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुराना खजाना ओल्ड ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना हिडन ट्रेजर, गड़ा हुआ खजाना बरीड ट्रेजर। अभी हिडन एंड बरीड, ये दोनों जो हैं हाइड और बरी की थर्ड फॉर्म्स हैं, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है ये। और सेंटेंस देखें, जैसे मुझे गड़ा खजाना मिला, तो आई फाउंड द बरीड ट्रेजर। तो ये बरीड ट्रेजर जो है वो बरीड ट्रेजर का एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की तो चलते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। सड़े हुए सेब एक तरफ रख दो, सड़े हुए सेब, तो कीप द डिकेड एप्पल्स असाइड। सड़े हुए सेब, ये क्या हुआ है? ये है, इट इज, कैसा है? डन। क्या हुआ है? डन। चीजों को बढ़ी हुई कीमत पर बेचो, सेल द थिंग्स एट द इंक्रीज्ड रेट। इंक्रीज्ड रेट, बढ़ी हुई कीमत। एक हारी हुई लड़ाई, अ लॉस्ट फाइट। हारी हुई यानी कि लॉस्ट। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए मतलब कि टाइट, तो माई हैंड्स आर टाइट। ये सब जो है अपने अपने वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है। जैसे ये डिके की डिकेट, डू की डन, इंक्रीज की इंक्रीज्ड, लूज की लॉस्ट, टाई की टाइड। ये देखिए एक और, उसने जला हुआ हाथ दिखाया, जला हुआ हाथ यानी द बर्न्ड हैंड। ही शोड, उसने दिखाया द बर्न्ड हैंड, जला हुआ हाथ। तुम बदले हुए दिख रहे हो, तुम दिख रहे हो, यू आर लुकिंग, कैसे? बदले हुए, चेंज्ड।
जांची हुई फाइल भेज दो, भेज दो, सेंड, क्या भेज दो? जांची हुई फाइल, द चेक्ड रजिस्टर। भूले हुए बिसरे, भूले बिसरे गाने, द फॉगटन, भूले हुए, द फॉगटन सॉन्ग्स। कुर्सियां ढकी हुई हैं, द चेयर्स आर, कुर्सियां हैं, चेयर्स आर कवर्ड, ढकी हुई हैं। वो जीता, मैच हार गई, वो हार गई, शी लॉस्ट, क्या हार गई? जीता हुआ मैच, द वॉन मैच। तो जीता हुआ यानी कि वॉन। हम बिका हुआ सामान वापस नहीं लेते, हम वापस नहीं लेते, वी डोंट टेक बैक, क्या नहीं लेते? बिका हुआ सामान, सोल्ड आइटम्स। उसने मुड़े हुए तार से फंसी हुई गेंद निकाली, ही टुक आउट द बॉल विथ बेंट वायर। वो पिटा हुआ सा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग बीटन, तो पिटा हुआ यानी कि बीटन। कटी हुई सब्जियां फ्रिज में रख दो, कीप द कट वेजिटेबल्स इन फ्रिज, तो कटी हुई की थर्ड फॉर्म कट। ये चाकू काम में लिया हुआ है, दिस नाइफ इज यूज्ड, काम में लिया हुआ यानी कि यूज्ड। अभी जैसे ये सोल्ड है, बेंट है, बीटन है, कट है, यूज्ड है, ये सब जो है थर्ड फॉर्म्स हैं और ये एडजेक्टिव की तरह काम में लिए जा रहे हैं। जैसे सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड है, बैंड की थर्ड फॉर्म बैंट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, कट की थर्ड फॉर्म कट, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड।